दोस्तों, यदि आपके पास Redmi Note 10 Pro फोन है और आप उसमें चाहते हैं कि आप सिस्टम एप्स को अनइंस्टॉल कर सकें, तो कैसे आप कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत सिंपल तरीका, कुछ यहाँ पे सिस्टम ऐप्स है जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर है, यदि आप चाहते हैं इसको अनइंस्टॉल करना तो सिंपल इस पर क्लिक कर रखेंगे और यहाँ पे अनइंस्टॉल का बटन है और यहाँ से अनइंस्टॉल आप कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि यू वॉन्ट एबल टू यूज मल्टीपल कैलकुलेटर और एडिशनल फीचर ऑन योर टू आफ्टर यू इंस्टॉल दिस ऐप। तो ये कह रहा है कि यदि आप इसको इंस्टॉल कर देंगे, ये सिस्टम ऐप है, तो आप क्या कर सकते, आपको जो है यहाँ पे जो मल्टीपल कन्वर्टर्स दे रखे थे ना उसमें, तो उनका आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से इंस्टॉल आप कर सकते हैं। उसके बाद Xiaomi हो गया, या कुछ ऐसे ऐप्स है, स्कैनर भी हो जाएगा, रिकॉर्डर ये भी हो जाएगा, FM रेडियो भी हो जाएगा, क्लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनको आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और अनइंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सेटिंग्स में यदि आप जाएंगे और यहाँ पे आप जाएंगे ऐप्स में, तो यहाँ पे आप जाएंगे अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स में, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया भाई, यहाँ पे आ जाता है वैसे ज़्यादातर ये, ठीक है। तो यहाँ पे शो होने लग जाते हैं जो भी आप अनइंस्टॉल ऐप्स करते हैं, तो उसके बाद इनको आप रिकवर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक बार में इनको अनइंस्टॉल करना है ना, तो एक बार में आप इनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहाँ से उठाएंगे अनइंस्टॉल के बटन पर, ओके 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 ओके, और ये अनइंस्टॉल यहाँ पे हो चुके। तो इस तरीके से आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर फटाफट कंप्लीट करने हैं। चलिए गाइस, बाय।